प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां पर नोएडा में सीईओ रितु माहेश्वरी का एक और कारनामा सामने आया है। हाईकोर्ट की अवमानना में फंसी हैं रितु माहेश्वरी। अफसरों का अहंकार अब हाईकोर्ट को भी दिखाया जा रहा है। हाईकोर्ट ने रितु को गिरफ्तार कर पेश करने को कहा है। रितु माहेश्वरी को गिरफ्तार करके पेश किया जाए, ये कोर्ट का कहना है। 13 मई को पुलिस हिरासत में पेश होंगी रितु माहेश्वरी। हाईकोर्ट का आदेश नहीं मानता है नोएडा अथॉरिटी। रितु माहेश्वरी के काम से सरकार की साख को भी कहीं ना कहीं धक्का पहुंचा है। अब रितु माहेश्वरी को बचाने सुप्रीम कोर्ट जा सकती है यूपी सरकार। रितु माहेश्वरी के कार्यों के चलते अथॉरिटी की जमकर बदनामी हुई है। हाईकोर्ट की आदेश की अवमानना हुई है और अब रितु माहेश्वरी के ऊपर अवमानना का केस चलेगा। और आपको बता दें कि इस खबर से जुड़ी अपडेट ये है कि अब इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है यूपी सरकार। हाईकोर्ट की अवमानना में फंसी है रितु माहेश्वरी। और अफसरों का अहंकार अब हाईकोर्ट को भी दिखा है। और आपको बता दें कि 13 मई को अब कोर्ट के सामने पेश होना पड़ेगा रितु माहेश्वरी को, यानी कि अब उनके ऊपर अवमानना का केस चलेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में नोएडा की मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है और 13 मई को पेश भी होना है रितु माहेश्वरी को। इसको लेकर आपको बता दें कि जस्टिस सरल श्रीवास्तव की कोर्ट ने यह आदेश दिया है, 13 मई को पेश होना पड़ेगा रितु माहेश्वरी को। इससे पहले कोर्ट भी काफी सख्त नजर आई है रितु माहेश्वरी को लेकर और कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की साख को भी एक बहुत बड़ा पट्टा लगा है और अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है प्रदेश सरकार रितु माहेश्वरी को बचाने के लिए। दरअसल ये पूरा मामला भूमि अधिग्रहण से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा हारने के बाद नोएडा विकास प्राधिकरण ने अदालती आदेशों का पालन नहीं किया, जिसके खिलाफ किसानों की तरफ से अवमानना का एक याचिका दायर की गई और इस पर हाईकोर्ट ने रितु माहेश्वरी को खुद अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया था। इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रितु माहेश्वरी को हाजिर होने का आदेश दिया और जब इस मामले में सुनवाई हुई तो सीईओ हाजिर नहीं हुई। इस पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया और अब सीईओ के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी दानिश नोएडा से जुड़ चुके हमारे साथ। दानिश, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के बाद अब हाईकोर्ट का रुख जो है वो हम देख चुके हैं काफी सख्त है, प्रदेश सरकार की साख को भी एक बड़ा बट्टा लगा है और अब इसको लेकर क्या कुछ बचाव प्रदेश सरकार कर सकती है? फोन चलिए उनसे संपर्क टूट गया है, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। नोएडा के सेक्टर 82 में अथॉरिटी ने 30 नवंबर 1989 और 16 जून को क्लॉज के तहत भूमि का अधिग्रहण किया था और अब एक बार फिर से यह पूरा मामला चर्चाओं में आ गया है। हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में नोएडा की मुख्य कार्यपालक अधिकारी को गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने नोएडा के सीजीएम को आदेश के पालन की जिम्मेवारी सौंपी थी और कहा गया था कि 13 मई को पुलिस रितु माहेश्वरी को 48 घंटे में गिरफ्तार करके हाईकोर्ट में पेश करे। आपको बता दें कि जस्टिस सरल श्रीवास्तव की कोर्ट ने यह आदेश दिया था और अब इस मामले में कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की साख को भी बट्टा लगा है और अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है सरकार। भूमि अधिग्रहण से जुड़ा ये पूरा मामला है। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा हारने के बाद नोएडा विकास प्राधिकरण ने अदालती आदेशों को नहीं माना, जिसके खिलाफ किसानों की तरफ से अवमानना याचिका दायर की गई। इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रितु माहेश्वरी को खुद अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया था। कोर्ट का साफ कहना है कि गिरफ्तार करके पेश किया जाए रितु माहेश्वरी को। हाईकोर्ट का आदेश नहीं मानता है
प्राधिकरण। हाईकोर्ट बेहद सख्त है मामले पर। और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है सरकार। चलिए बढ़ते हैं आगे खबर।